हेलो एवरीबॉडी, प्रगति यार। और आज मैं आया हूँ दांडी करके, एक कोस्टल विलेज है नियर बाय मुंबई, पालघर डिस्ट्रिक्ट में है और मुंबई से 100 किलोमीटर पे है। ये फिशरमैन कॉलोनी है और यहाँ पे मेरे साथ योगेश जी है, इनके घर पे मैं आया हूँ यहाँ पे। आज हम लोग एक ऐसी यूनिक डिश बनाने वाले हैं जो बहुत लोकल है और आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। तो ये डिश का नाम है बोथले, मुझे भी नहीं पता था। ओके, तो ये बोथले मतलब क्या है कि जो कैटफिश होता है जिसको लोकल लैंग्वेज में शिंगाड़ा बोलते हैं, तो उसके ये अंडे है, तो इसके अंडे को ये बोथले बोलते हैं। और ये बोथले पकाने की एक अलग ही रेसिपी है। ओके, तो आज योगेश जी हम लोग को दिखाने वाले हैं कि ये बोथले कैसे बनाते हैं। बट उसके पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि ये बोथले साफ कैसे करते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट में आपको ऐसे ही रॉ मिल जाएंगे। तो पहले देखते हैं कि इसको साफ कैसे करना है। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे ये बोथले है, ये सैक्स है। हाँ, सैक्स में ये सब छोटे छोटे अंडे है। ओके, तो इसको पहले खोलना पड़ेगा। इसे खोलना पड़ेगा। ये साइज में छोटे है अंडे, इससे भी बड़े भी आते हैं। अच्छा, इससे बड़े भी आते हैं। कौन से सीजन में आते हैं वो? वो फरवरी मार्च में। अच्छा, ये भी फिलहाल ये छोटे है। ओके, बट इसका कलर तो बहुत ही औसम है, गोल्डन। तो अभी पहले उसे ये सब निकालने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ से इसे अलग करने पड़ते हैं सैक से। अच्छा, ओके ओके ओके, तो थोड़ा मेहनत का काम है। हाँ, मेहनत का काम है। तो वो निकालना पड़ता है। निकालने के बाद पूरा उसे सेपरेट करना पड़ता है यहाँ से सैक से। अच्छा, पर ये फूटने नहीं चाहिए ना? हाँ, फूटते नहीं है ये। देखिए आप, ये जैसे, अच्छा एक मिनट, नरम होते हैं ऐसे। ओके, डेलिकेटली उन्हें निकालना पड़ता है, पेशेंस से। अगर बड़े होते हैं तो उसे जड़ से निकाला जा सकता है। अच्छा, ओके, वो निकल जाते हैं फटाक से। ये जो अभी जस्ट स्टार्टिंग पीरियड है इनके, अंडे बनने के, इनके उसी वक्त ये फिश मिला है। ओके ओके ओके, इसकी वजह से ये छोटे है और निकलने के लिए तकलीफ हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये जो बोतले है, मतलब जो कैटफिश और शिंगाड़े की जो अंडी है वो हम लोग ने सेपरेट कर ली है। और इसकी जो थैली है वो भी फेंकना नहीं है, इसे चॉप करते हैं। ओके, एकदम पतला पतला टुकड़ा करना है इसका। ये भी इसी में जाएगा। ओके, अभी ये भी इसमें ही डाल के रखना है अपने को। तो अभी हम लोग ने ये भुना हुआ नारियल ले लिया है और इसको भी कट करके इसके छोटे छोटे पीस कर रहे हैं, ग्राइंड करने, क्योंकि इसको भी ग्राइंड करना है। आग के भुना है, गैस के ऊपर कर सकते हैं ना? गैस के ऊपर। तो ये सूखा नारियल है कि ये ओला है? गीला नारियल है, ताजा नारियल है। तो ये ताजा नारियल है। तो अभी ये मिक्सर में डाल दिया हम लोग ने। तो अभी ये नारियल पीस के हो गया है। ओके, एकदम पतला करके ले लिया। इसके लिए हम लोग ने इसमें इसमें थोड़ा पानी भी डाला था। और अभी ये बाकी का सामान भी है यहाँ पे, हल्दी, लाल तिकट, नमक, बहुत सारा प्याज लिया हुआ है। और यहाँ पे ये है आलू और ये अपने बोथले। तो अभी ये सब रेडी है। तो अभी इसको हम लोग फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले इसको अंदर ऑयल डाल देते हैं। हिंग थोड़ा। ओके, तो पहले हिंग डाल दिया है थोड़ा। अभी ये हरी चटनी है, कच्चा पन जाना चाहिए, हरी चटनी का कच्चा पन निकले, उसे सॉफ्ट करना है। क्या जाना चाहिए? कच्चा पन, उसका कच्चा पन निकलना चाहिए। ओके, ज्यादा इसमें जाएगा प्याज, बहुत सारा प्याज। ओके, अभी इसमें प्याज डाल दिया है। तो अभी इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को बहुत अच्छे से भूनना है। ओके,
अभी इसके अंदर थोड़ा नमक डाल दिया ताकि प्याज जल्दी गल जाए, तो पानी ठंडा करेंगे। तो अभी ये ऑलमोस्ट 5 मिनट हम लोग ने प्याज गरम कर लिया है और आप देख सकते हो ऑयल ऊपर आ रहा है। तो अभी इसके अंदर अभी हल्दी डाल दी है, ये 2-3 स्पून लोकल मसाला डाला है, 2 स्पून थैली है। अच्छा, ये जो बोतले की जो थैली है ये अभी हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर, बोतले नहीं डालने हैं, बोतले की थैली है उसे जब हमने बारीक काटी थी मैंने उसमें जाएगी, आलू डालेंगे। ओके, अभी आलू डाल दिए हैं इसके अंदर, ये डिश थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, बट देखते हैं इज इट वर्थ। और अभी ये जो नारियल जो भुना हुआ नारियल था पीसा है, वो पीस के हम लोग ने रेडी रखा था, वो अभी डाल रहे हैं। और अभी इसके अंदर पानी डालना है आपको, देख सकते हो मतलब आपको पूरा ग्रेवी क्रिएट करना है इसका अभी, तो आपके हिसाब से आप पानी डाल दो इसके अंदर। और अभी ये कितना टाइम रखना है? जब तक आलू पके। ओके, आलू जब पक जाएंगे तो आगे अपना जैसे। तो अभी ये जब तक आलू पकते नहीं है तब तक हम लोग को इसको पकने के लिए छोड़ देना है, और आप इसको पतला भी कर सकते हो, आपके हिसाब से आप पानी डाल दो और ऐसा ग्रेवी क्रिएट हो जाएगा। जो ग्रेवी है वो अभी गर्म हो गई है, आप देख सकते हो। अगर इसमें पानी कम है तो आप पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि वो बोतले भी अभी डालना है, तो इसके लिए आलू हो गया। ओके, आलू पक गया है, अभी हम बोतले डालेंगे। उल्टा करें। तो अभी ये बोतले डाल दी है, चलो थोड़ा, मतलब ये हल्के हाथ से आपको इसको थोड़ा मिक्स करना है, क्योंकि वो बोतले फूटने नहीं चाहिए। जो बोतले है ना ये छोटे हैं, इसके लिए हम लोग ने इसको डायरेक्ट डाला है। जो बड़े बोतले होते हैं मतलब जो फेब मार्च में मिलते हैं, उसको पहले पका के लेना पड़ता है गर्म पानी के अंदर, राइट? तो वो उसके बाद ही उसको डालना, हाँ उसको बॉइल करके लेना पड़ता है, और वो बॉइल करने के बाद ही इसके अंदर ऐड करते हैं लास्ट में। ये छोटे हैं इसके लिए इसको अभी ऐड कर दिया है, तो अभी इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो अभी इसको और 10 मिनट पकने के लिए रखना है। ओके, आप देख सकते हो ये अभी व्हाइट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अभी पक रहा है। और आपको इसको बीच बीच में चेक करते रहना है, अगर पानी की क्वांटिटी कमी है तो पानी ऐड करते रहिए, जल जाएगा। सो फाइनली अभी देखते हैं कि रेडी है कि नहीं, लग तो रहा है रेडी हो गई, व्हाइट हो गई। तो आप देख सकते हो कि ये व्हाइट हो गया है, अभी जो अंडे है
इसका कलर आप देख सकते हो क्लोजली देखोगे तो. ओके यू कैन सी इट. तो अभी ये रेडी तो हो गया है, अभी एक प्लेट में निकाल लेते थोड़ा और मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे हुआ है. तो अभी आप देख सकते हो ये बोतले की टेस्ट कम्प्लीटली रेडी है और अभी ये मैंने प्लेट में ली हुई है. अभी मैं ये पहले अंडे जो है वो टेस्ट करके बताता हूँ कि कैसे लग रहे हैं. तो ये एक बड़ा अंडा है वो मैं ले लेता हूँ पहले. एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह लग रहा है, मतलब मुंह में डालते ही पिघल रहे हैं. और ट्राई कर दो. सुपर्ब सुपर्ब, मतलब ये डिश तो मैं भी पहली बार ही खा रहा हूं. सो आई मस्ट से कि योगेश जी ने ये डिश है ना तो बहुत ही यूनिक डिश है. ओके ये तो मैंने पहले भी खाई नहीं थी. ओके तो बहुत ही अच्छी बनाई है. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू वेरी मच. तो और एक थोड़ा खा लेता हूं. डैम गुड. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल.